हाय फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज पिकनिक में मैगी बनाते हैं। मैगी बहुत आसान तरीके से बनाएंगे बिना सामान के। चूल्हा बनाने के लिए पर मेरे पास कोई भी सामान नहीं था, तो मैंने मिट्टी के टुकड़ों को लेकर के चूल्हे का शेप दिया है और उस पर मैं एक पतीला चढ़ा रही हूँ और बनाना शुरू करती हूँ। इस पतीले में मैं पानी बॉयल करने के लिए चढ़ा रखी हूँ। आसपास से मैंने लकड़ियाँ चुनी हैं और उसी लकड़ियों से मैं जलाना शुरू करी हूँ। इसी से पानी बॉयल होना शुरू हो रखा है। देखिए अच्छे से, मछली मैं लाना भूल गई थी, इसीलिए मैं आम के बगान में हूँ। इसीलिए आम के बगान का पत्ता मैं तोड़ करके उसे नमक डाल रही हूँ। उसी का डंडल से तोड़ करके मैंने चम्मच बनाया है। इस तरह से अब मैं सबसे पहले मैगी का मसाले डालती हूँ फटाफट करके। तो देखिए कितने अच्छे से खोल रहा है मेरा पानी। बहुत अच्छा मैगी बनने वाला है, बहुत टेस्टी, मज़ा भी आ रहा है बहुत। इस तरह से हमारा चूल्हा तैयार है। देखिए कितने अच्छे से आग जल रहा है, एकदम काफ़ी तेज आग जल रहा है। लग नहीं रहा है कि बिना व्यवस्था के मैं चूल्हा जला रखती हूँ। काफ़ी तेज आग जल है, मेरा पानी भी बिल्कुल खोल गया है। अब इसमें मैं मैगी डालना शुरू करती हूँ। अंदर अंदर ये धीरे धीरे मेरा बॉयल होना शुरू हो गया है। मैं मैगी डाली, देखिए पकना शुरू हो गया है अच्छे से। पक रहा है, काफ़ी टेस्टी लगने वाला है, बहुत मज़ा भी आ रहा है। देखिए बिल्कुल मेरा पकने को है, थोड़ा सा और बचा है पकने को, पूरा खोल रहा है। ये मेरा लगभग रेडी होने वाला है, हो ही गया समझिए। अब खाने का देर है बस, बहुत मज़ा आ रहा है। बनाने में भी खाने में भी उतना ही मज़ा आने वाला है।